भी इसका उद्घाटन करना है, इसकी टेपिंग सब निकालनी है। फिंगर क्रॉस है कि ये अच्छा होगा। तो टैपिंग ओपन करने के लिए हमारे पास है रुचा, आशु यहाँ पे आइए, और ये पवन बुलाने से पहले आ गया है। तो हमारे पास ये तीन लोग हैं ये टैपिंग ओपन करने के लिए। बारी बारी से एक एक टैप निकालेंगे, देखते हैं किसकी टेप अच्छी निकलती है और किसकी गलत निकलती है। अगर गलत निकली तो बॉल की तो लगने वाली है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि कैसा लग रहा है पूरा रूम, ये हॉल मतलब। चलो ना, लिविंग एरिया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले निकाल रही है आशु, चल आशु निकाल उसको, देखना भाई फिंगर क्रॉस करके। और ये क्या वाइट वाइट, चल चल निकाल निकाल। हाँ चलो, अभी यहाँ से वो वाली निकालो। चलो भाई स्टूल लाओ, स्टूल लाओ, रुचा चढ़ ऊपर। ओके चलो चलो निकालो निकालो। ओके ये फट फट गए, अभी फाड़ दे उसको। रुक जा ये यहाँ पे निकालने में कश्मकश। ओके ओके चलो, एक पट्टी निकल गई है। ओ शिट, और यहाँ पट्टी के साथ कलर ही पूरा निकल रहा है। रुचा शांति से निकाल रही है तो उसका अच्छा निकल रहा है, वो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। देख आंसू ने लोचा कर दिया, गोल्डन कलर तो निकला, उसके साथ साथ ब्लू कलर भी निकल गया। वाओ आशु, यू आर सो जीनियस। धीरे धीरे रुचा जी, वाओ रुचा। ये नहीं हो रहा है ठीक से, तो था लेकिन ये ऐसे कुछ कुछ जगहों से गोल्डन कलर छूट गया, पता नहीं कैसे, और कुछ कुछ जगहों से हाथों हाथ ब्लू कलर भी निकल गया। ये देखो नीचे हमने जो पेंसिल से किया था ना, वो वाला दिखने लगा। तो अभी उसके लिए फिर से ये वाला कलर लाते हैं और थोड़ा टचअप करना पड़ेगा इसका। बाकी रुचा सोने का स्विच बोर्ड, वाह। तो अभी इस पे तो थोड़ा बहुत टचअप बाकी है, वो अभी आज रात को या तो कल करेंगे। बाकी जो मेन अपनी ये वॉल थी ये एकदम ओके हो चुकी है। रुचा अभी थोड़ी साफ सफाई कर रही है, फिर हमको बाहर जाना है तो बाहर जाते हैं, पहले साफ सफाई कंप्लीट कर देते हैं।
अगर ये रोड किसी को पता है तो कमेंट में बताओ ये कौन सा रोड है। ये रोड जिसने पहचान लिया ना उसको मेरा घर पता चल जाएगा। तो अभी जो पेंट गोल्डन कलर ये लेने के लिए गए थे और ये जो थोड़ा थोड़ा उखड़ गया है उसका टचअप चल रहा है। हाय हाय हाय। और आशु एकदम परफेक्टली टचअप कर रही है, वो कर सकती है, वो पेंटिंग भी इतना मस्त बनाती है ना, उसका हाथ कंट्रोल में है पूरा। तो चलो अभी ये करते हैं। क्लीनिंग टाइम, जो भी फाइनल करना था सब हो गया फाइनल। एक बार ये पूरा साफ सफाई हो जाए बाद में आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। दिखा देते हैं अभी टीवी तो आ गया है, ये देखो। यहाँ से अपने को मेन दिक्कत ये वाली वॉल की थी, तो ये तो एकदम मस्त से हो गई। वो अभी थोड़े बहुत वायर्स अभी भी दिख रहे हैं, बाकी ये वाली अपनी मेन वॉल। कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है। ये मम्मी अभी टीवी फिट कर रही है, और ये वाले ये दो पट्टे और ये दो पट्टे मम्मी और रुचा ने बनाए, बोले अच्छे लग रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, चलो बना दो। बाकी अभी हॉल में सोफ़ा आने बाकी है, तो एक बार सोफे आ जाते हैं उसके बाद भी आपको दिखा देंगे कैसा लग रहा है। और रुचा दिखाऊं क्या कर रहा है। और रुचा, हमारे घर में ऐसा होता है, कल मैं गया था कार लेके, तो मैंने रात को यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मेरे को वहाँ जगह मिली तो वहाँ पे लगा दी। तो अभी मम्मी बोल रही उसको यहाँ से यहाँ पे फिर से लगा दे। मैंने पूछा क्यों, तो बोले सुबह वो वाली आंटी ये पेड़ पौधों को पानी देती है तो बोले सब कार पे आता है। मैं बोला मैं सुबह लेके जाने ही वाला हूँ ना, तो बोले नहीं तू अभी लगा दे, बोले तू जाएगा उससे पहले तो, बोले वो सुबह जल्दी उठ के पानी दे देती है। मैंने बोला ठीक है भाई लगा देता हूँ, डन भाई। मम्मी ने बोला था वैसे यहाँ पे लगा दी, अभी यहाँ से कोई पानी वानी गिराएगा नहीं, अपने भैया सुबह आएंगे साफ करके चले जाएंगे और मैं लेके चला जाऊँगा इसको ऑफिस। पर कल तो संडे है, चलो कोई नहीं, फिर भी कल गाड़ी तो निकलेगी ना। तो क्यों इतना खांसी आ रही है फिर भी फ्रूटी, और वो भी बाहर वाली, अपने इंडिया की तो है ही नहीं ना ये। और साथ में ये क्या है, घुमा इसको। अच्छा, और ये जो रोज का खर्चा होता है ना वो रात को ऐसे खत्म होता है ये रात को। क्या है, कर दे फ्री में प्रमोशन ही कर दे फ्री में। कॉर्न पफ्स है, बेक है नॉट फ्राइड, बहुत ही यम्मी। देखिए इसका मैजिक मसाला डाला है। ये देखो हमारे घर में ट्राईपोड कैसे पड़ रहता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर ट्राईपोड। ये हमारा पाड़ा।
इधर ले गए। और ये बिग बॉस चालू हो गया घर में फिर से। खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है। रेडी हो गया अपना, और ये अपना एज ऑलवेज जेठालाल के साथ खा रहे हैं। आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं जो कि लग रहा है कुछ ऐसा। अरे वाह, मम्मी ने वो भी बंद कर दिया। थोड़ा आप शॉट्स देखो, मैं शॉट्स लेने की ट्राई करता हूँ कैसा लग रहा है वो। और अपने को एक दूसरी ये वॉल की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन ये वॉल भी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। मम्मी कैसा लग रहा है? मस्त है ना, खुद मेहनत की तो अच्छा ही लगेगा। और आप लोग भी एक बार बता देना कैसा लग रहा है। पवन कैसा लग रहा है? अच्छा। है ना, हो गया है। मैं अभी आप लोगों को थोड़े शॉर्ट्स दिखा देता हूँ, और बस पहले शॉर्ट्स देख अभी अभी जस्ट मैंने कैमरा लिया है हाथ में। ये रूम पूरा हो गया है हमारा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये ऐसे फोटोज क्लिक करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये आ चुके हैं दादा, जिसको प्रेरक ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं गार्डन। तब तक के लिए मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मम्मी देखो थकान के मारे सो गए हैं पूरा। तो बज रहे हैं अभी शाम के 6, तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अभी नहा धोके फ्रेश अप होके हम लोग आ चुके हैं, प्रेरक ने भी नहा लिया है, अभी वो गार्डन जाके आएंगे। तब तक के लिए ये व्लॉग को लाइक करें। अगर ये डिज़ाइनर सब अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और आप भी कुछ नया ट्राई कीजिए। हमने 2 दिन में पूरा रूम रेडी कर दिया है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए जाके। इस व्लॉग को शेयर कीजिए बहुत सारा, ताकि सब सब ऐसे हो जाए कि नहीं भाई इन लोगों ने किया तो हम लोग भी कर सकते हैं। ख़राब हुआ था थोड़ा, लेकिन हमने उसको टचअप करके बहुत ही अच्छा बना दिया। अभी दिख भी नहीं रहा है कहीं से भी कि कहीं पर ख़राब हुआ भी था। टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, goodbye.